जिला मंडी में नव उत्थान सेवा धाम संस्था द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 101वीं जयंती के उपलक्ष्य पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीआर कौंडल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान नव उत्थान सेवा धाम संस्था के सभी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। मुख्य अतिथि वीआर कौंडल ने अपने संबोधन में कहा कि अब हिमाचल में जनता को फैसला करना है कि कौन सत्ता में आएगा। उन्होंने कहा कि जनता जानती है कि मोदी सरकार ने विकास करवाए हैं। नव उत्थान सेवा धाम संस्था के अध्यक्ष नरेंद्र गुलेरिया ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 101वीं जयंती की धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बताए मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि इस दौरान विभिन्न संगठनों को सम्मानित किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का 101वीं जयंती आज नवोत्थान सेवाधाम के तत्वाधान में विश्वकर्मा मंदिर के हॉल में मनाई गई। आज सभी नवोत्थान सेवाधाम के कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को याद किया और उनके बताए हुए आदर्शों पर चलने का निर्णय लिया। आज इस विचारधारा के लिए जिन पुराने कार्यकर्ताओं ने काम किया है, चाहे वो किसी भी संगठन के थे, विभिन्न संगठनों के, इसमें भारतीय मजदूर संघ, विश्व हिंदू परिषद, विद्यार्थी परिषद, विभिन्न यूनियनें और अन्य जितने भी संगठन थे जो इस विचार को लेकर काम कर रहे हैं, आज उन पुराने कार्यकर्ताओं को भी यहाँ सम्मानित किया गया।